अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं चिल्ड्रन, डियर पेरेंट्स। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है सिमिलर एंड फॉलोअर फॉर्म चार्ट ऑफ पर्संस, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पिछले वीडियो में हम लोग पर्सन के बारे में समझे थे, पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म के बारे में समझते हैं कि कब सिंगुलर नेम के साथ कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन का कौन सा यूज होगा और प्लुरल फॉर्म के साथ कौन सा पर्सन का यूज होगा। तो चलते हैं, इस तरह से आप लोगों को बढ़ाना है, कैटेगरीज बढ़ाना है, एक में पर्सन, एक सिंगुलर और एक प्लुरल का। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर फॉर्म है ना। फर्स्ट पर्सन है, यहां पे पर्सन का लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां जो है लिस्ट है सिंगुलर फॉर्म का लिस्ट है आई यू ही सी इट, और इधर जो है सिर्फ प्लुरल फॉर्म का लिस्ट है वी यू दे, कंप्लीट। तो अब थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, हम लोग ध्यान देंगे क्या है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, आई, मैं, यानी कि मैं जो है सिंगुलर फॉर्म के लिए, मैं जो है सिंगुलर नेम के लिए प्रयोग होता है, जैसे वन पर्सन के लिए। तो आप पहले ही जानते हैं सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है, जब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो आई, और जब प्लुरल फॉर्म में यूज होगा तो यानी कि प्लुरल नेम के साथ, नेम्स के साथ क्या होगा, वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, यू, और प्लुरल फॉर्म भी यू होता है। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में सेंस एक ही वर्ड से बहुत सारे सेंस होते हैं, है ना। हिंदी में तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि तुम किसके साथ प्रयोग करना है, आप किसके साथ प्रयोग करना है, आप लोग कब प्रयोग करेंगे, तुम लोग कब प्रयोग करेंगे। लेकिन इंग्लिश में जब यू जनरली सभी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, आपसे बड़े हो, छोटे हो, आपके दोस्त हो, सभी के साथ यू यानी कि प्रयोग होता है, बड़ों के लिए भी यू। लेकिन सेंस में क्या होता है, हिंदी सेंस तुम या आप हो जाएंगे, आप लोग, है ना, प्लुरल फॉर्म में आप लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से अब इसके बाद है थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ही सी इट, और प्लुरल फॉर्म क्या होता है, दे यानी कि वे लोग, आई वी, वी इज प्लुरल फॉर्म ऑफ आई, यू, ये क्या होता है, दोनों फॉर्म में सेम होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट, और प्लुरल फॉर्म क्या होता है, दे होता है। कंप्लीटली जब थर्ड पर्सन के लिए ही का प्रयोग होगा सिंगुलर फॉर्म में, जब थर्ड पर्सन को मेल सिंगुलर फॉर्म में हो तो ही होगा, यदि प्लुरल में हो तो क्या होगा, दे होगा। तो अब इसके बाद हम लोग, डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे घर पे और इसको समझेंगे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, और प्लुरल फॉर्म यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म ही सी इट, और प्लुरल फॉर्म दे। तो अब यहां पे क्या कहते हैं, अब हम लोग बारी बारी से फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आई जो है से क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है, और ये आई का यूज कब हम करते हैं, किसके साथ करते हैं, कौन से स्पेसिफिक नेम के साथ करते हैं, और वी का किसके साथ करते हैं, है ना। जब स्पेसिफिक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ आई, और जब स्पेसिफिक पर्सन प्लुरल हो तो उसके साथ क्या होगा, वी होगा, सेम इसी तरह। तो चलिए इसके बाद यहां पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, ये लोग हम लोग कंप्लीट कर लिए डिस्कस। अब इसके बाद है यूज ऑफ आई, आई यानी कि मैं, आई जो है से सब्जेक्ट है, मैं है, पहले ही बताया मैं जो है किसके लिए प्रयोग होता है, हम लोग, मैं किसी स्पेसिफिक नेम
के लिए सिंगुलर फॉर्म में। तो मैं यहां लिखा हुआ है यूज ऑफ आई, आई का प्रयोग कहां करेंगे, तो लिखा हुआ है यूज द प्रोनाउन आई व्हेन द पर्सन स्पीकिंग इज डूइंग द एक्शन। कब आई का प्रयोग कब करते हैं, यूज द प्रोनाउन आई, क्या यूज द प्रोनाउन आई व्हेन द पर्सन स्पीकिंग इज डूइंग द एक्शन। जब जो पर्सन क्या करता है स्पीकिंग, व्हेन द पर्सन स्पीकिंग इज डूइंग द एक्शन, जब जो पर्सन स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, और वह जब पर्सन कोई एक्शन कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में आई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या आई एम स्पीकिंग, तो इस तरह से मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, तो इसलिए क्या कर रहा है, एक डूइंग एक्शन कर रहा है, तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में आई का प्रयोग करेंगे। फिर कहते हैं आई एक आपका ए आई हो गया सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म, उसके बाद वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल फॉर्म है, तो वी का प्रयोग कब करेंगे, बट समथिंग डिफरेंस इन सिंगुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन आई एंड इन प्लुरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन वी। यानी कि जब फर्स्ट पर्सन प्लुरल में हो, प्लुरल नाउन में हो, तो उस वे में हम लोग क्या करते हैं, जब वहां पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना हो, पर्सन का प्रयोग करना हो, तो क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। यूज द, यहां पर लिखा हुआ है यूज द प्रोनाउन वी इन प्लुरल फॉर्म ऑफ आई। जब आई का प्लुरल फॉर्म, जब आई यानी कि आई के प्लुरल फॉर्म में क्या करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग यानी कि क्या है, हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन का, हम लोग खेल रहे हैं, तो क्या हम लोग बहुत सारे है ना, टू और मोर देन, यानी कि मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक जब स्पीकिंग कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हो, तो उस वे में क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम लोग सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, तो इस तरह से आई और वी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू, यू का सिंगुलर फॉर्म और यू का प्लुरल फॉर्म, यानी कि सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म का हम लोग समझेंगे कि यू का प्रयोग करेंगे। यूज द प्रोनाउन यू, क्या यूज द प्रोनाउन यू, यानी कि सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होता है, दोनों क्या होता है, यू होता है ना। तो अब हम लोग समझते हैं यू का प्रयोग कब करेंगे, किस वे में करेंगे, कंप्लीट। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, वी यूज द प्रोनाउन यू, यू जो है क्या है, प्रोनाउन है, और कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, यानी और पर्सनल यानी कि कौन से पर्सन के अंतर्गत आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो वी यूज द प्रोनाउन यू इन स्टीड ऑफ सेकेंड पर्सन इन बोथ फॉर्म सिंगुलर एंड प्लुरल, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लुरल। कहते हैं क्या, वी यूज द प्रोनाउन यू इन स्टीड ऑफ सेकेंड पर्सन इन बोथ फॉर्म सिंगुलर एंड प्लुरल। जब सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नाम हो, तो उस वे में भी क्या करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, और जब प्लुरल नाम नेम भी होगा सेकेंड पर्सन का, तो उस वे में भी क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, यू का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों इनका क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप बाजार जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट। फिर है आप लोग बाजार, बाजार जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, यू आर गोइंग टू क्या मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। आप बाजार जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, आप लोग बाजार जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, सेम है।
सिर्फ हिंदी का फॉर्म अलग है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, आपके लिए भी यू ही आया है और आप लोग के लिए भी क्या आया है, यू ही आया है, एडीसी। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस है, कंप्लीट फाइनली। तो अब नेक्स्ट है, इसके बाद है, डियर लिस्टनर डियर फ्रेंड्स, क्या यू का प्रयोग समझ गए? यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों के लिए प्रयोग होता है, आप सुन रहे हैं या आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिस्निंग और आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिस्निंग सेम है ना। तो नेक्स्ट अब है यूज ऑफ ही एंड सी, क्या यूज ऑफ ही एंड सी, यूज ऑफ ही एंड सी, ही और सी का प्रयोग कब करेंगे? और एक होता है थर्ड पर्सन का फ्लो फॉर्म क्या होता है, दे होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है वी यूज द प्रोनाउन ही, क्या वी यूज द प्रोनाउन ही इन स्टेड ऑफ सिमिलर नेम ऑफ मेल थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन का कोई मेल सिमिलर नाम होगा तब वहां पे क्या होता है, ही का प्रयोग होगा, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा, ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल्स यहां दिया हुआ है, राम इज अ बॉय, क्या है, राम एक लड़का है, तो राम यहां पे जो है क्या है, सिंगुलर नेम है, और यह क्या है, राम जो है से थर्ड पर्सन है और राम जो है से क्या है, मेल है, तो मेल के लिए क्या होता है, यहां ही का प्रयोग होता है, राम इज अ बॉय एंड ही इज गुड, राम एक लड़का है और वह अच्छा है। सेम इसी तरह यूज ऑफ सी के बारे में समझना है, वी यूज द प्रोनाउन सी इन स्टेड ऑफ फीमेल थर्ड पर्सन, क्या कहता है, वी यूज द प्रोनाउन सी इन स्टेड ऑफ फीमेल थर्ड पर्सन इन सिंगुलर फॉर्म, क्या सेम ही क्या होता है, मेल थर्ड पर्सन के लिए होता है और सी जो है से फीमेल थर्ड पर्सन के लिए होता है, दोनों क्या सिंगुलर फॉर्म के लिए। जैसे मैं सीता इज अ गर्ल एंड सी इज ब्यूटीफुल, सीता क्या है, एक लड़की है और वह सुंदर है। डियर लिस्नर डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट, क्या यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों में प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या है, ही और सी के बारे में समझना है, तो ही क्या है, ही और सी, आप लोग क्लियरली वन सेकेंड रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग। ही जब क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म, जब सिंगुलर थर्ड पर्सन हो और वह क्या होगा, मेल होगा, यानी कि मेल थर्ड पर्सन हो और वह सिंगुलर हो तो वहां पे ही का प्रयोग करेंगे, और जब फीमेल सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन हो तो वहां पे क्या करेंगे, सी प्रयोग करेंगे, यानी कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी, कंप्लीट, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी, मेल और फीमेल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पिछले वीडियो में। अब इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, राम इज अ बॉय एंड ही इज गुड, राम मेल है, थर्ड पर्सन है और उसके लिए क्या आया है, ही आया है। सीता इज गर्ल एंड सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ सीता जो है से क्या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है, फीमेल है, तो इसके लिए क्या हो गया, सी का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हम लोग को समझना है यूज ऑफ दे, यानी कि वे लोग। तो सिंपली इसी तरह है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों जो है से सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन का, और जब थर्ड पर्सन के का कोई नाम हो, जब कोई थर्ड पर्सन हो और वह क्या होगा, प्लुरल फॉर्म में होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, दे के लिए, फीमेल हो या मेल हो, बोथ के लिए दे का प्रयोग करेंगे, दोनों के लिए दे का प्रयोग करेंगे। लड़के जा है ना, वे जा रहे हैं, वे जा रही हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रही हैं, तो क्या करेंगे, दे आर गोइंग कंप्लीट। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव क्या है, यानी कि सेल्फ प्रोनाउन।
That's all. Have a nice day.